अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर कुरम शरास, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और रिहैब होम में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि हमने जो है अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे बच्चे और बहुत सारी ऐसी फीमेल्स देखी हैं जो छोटी छोटी बात पर जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, जिनके जिस्म के ऊपर अगर जो है कोई छोटा सा पिंपल निकल आता है तो वो जो है मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास विजिट करना शुरू कर देते हैं। इवन कि हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं कि वो जो है घर में अचानक से बेहोश हो जाते हैं, दम करके गिर जाते हैं या मुंह से मुख्तलिफ आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं। और अक्सर जो है फैमिली उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि इनके अंदर जो है जिन भूत का साया आ गया, हमारे बच्चे के ऊपर किसी ने कोई दम कर दिया है, तावीज़ डाल दी है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ कर रहा है। तो आज ही इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, जैसा कि मैंने अभी जो है ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि बच्चों के अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अचानक से वो गिर जाते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, बड़ी बीमारी समझना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को पिंपल निकल आया तो वो कैंसर समझना शुरू कर देता है कि मुझे कैंसर हो गया है। दिल की धड़कन तेज़ हो जाए तो वो जो है दिल वाले डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? बेसिकली इसको हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। डिसोसिएटिव जो डिसऑर्डर होता है ये मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स का मजमूआ होता है। इसमें जो इंसान है वो अपनी शनाख्त खो बैठता है, अपनी याददाश्त खो बैठता है और अपना शऊर खो बैठता है। अगर हम आम रूटीन की बात करें तो इसमें हमें पता होता है कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन डिसोसिएटिव वाले पर्सन को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और क्या उनके साथ हो रहा है या वो कौन है, इस तरह के उनके नहीं होते। तो सर इसकी कौन कौन सी इकसाम है? अगर हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की टाइप्स की बात करें तो इसमें बेसिकली तीन कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहली होती है जो कि डिसोसिएटिव अमनेजिया होता है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी होती है, डिसोसिएटिव डीपर्सनलाइजेशन होता है। अगर हम सबसे पहले डिसोसिएटिव आइडेंटिटी की बात करें तो इसमें बंदा जो है वो अपनी शिनाख्त खो बैठता है। वो ये समझता है कि जी उसके अंदर एक से दो या दो से ज़्यादा शख्सियत पाई जा रही हैं। कभी वो बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में होगा और इमीडिएटली उसकी शख्सियत का दूसरा रुख यानी कि उसकी दूसरी शख्सियत जो है वो बन जाएगी थोड़ी ही देर के बाद, जिसमें वो बहुत ज़्यादा गुस्सा वगैरह करना शुरू कर देगा, हाइपर एक्टिविटी शुरू कर देगा। अब इसमें हम इसको दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड करते हैं इन शख्सियत को, जो हमने कहा कि दो या दो से ज़्यादा शख्सियत उस बंदे में हो सकती है। एक को हम कहते हैं बुनियादी और एक को कहते हैं सानवी। सपोज अगर मेरी शख्सियत का एक पहलू है कि मैं सबके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आता हूँ, सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से डील करता हूँ, तो ये जो मेरी इस वक्त पर्सनैलिटी होगी ये मेरी बुनियादी होगी। सानवी पर्सनैलिटी क्या है? जो उस वक्त एक्टिव नहीं है, जो उस वक्त मैं शो नहीं करवा रहा, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मुझे तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता हूँ या डिफरेंट काम्स करना शुरू करता है, ये मेरी सानवी जो है शख्सियत होगी। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी के अंदर इसी तरह होता है कि हमारी एक जो शख्सियत होती है वो बुनियादी बन जाती है, एक शख्सियत जो होती है वो सानवी बन जाती है। एक तो ये और इसमें बात करता बंदा ये कहता है कि जी मेरे अंदर कई तरह की शख्सियत पाई जाती है या मेरे अंदर कई तरह के लोग पाए जाते हैं। बाद का तो वो फीमेल की वॉइस में बात करना शुरू कर देता है, फीमेल की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। बाद का तो वो मेल की ही सूरत में बातचीत और एक्ट करना शुरू कर देता है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाते हैं। और उसके बाद अगर हम सेकंड वाले की बात करें डिसोसिएटिव अमनेजिया की, तो इसमें याददाश्त का इशू आना शुरू हो जाता है। बंदा जो है वो चीज़ें भूलना शुरू हो जाता है और इसमें हम कई ऐसे इवेंट, कई ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं उनके कोई ख़ास हिस्सा या बहुत सी चीज़ें हम भूलना शुरू कर देते हैं। अगर हम अमनेजिया की बात करें तो ए का मतलब होता है नॉट, अमनेजिया का मतलब होता है कि याद करना, कि हम याददाश्त करने के काबल नहीं रहते इसके अंदर। और अगर हम इसकी इस डिसऑर्डर को फर्दर डिवाइड करें तो इसमें पांच कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक लोकल अमनेजिया होता है जिसमें आप कोई ख़ास पोर्शन जो है
किसी चीज का वो भूल जाते हो, किसी स्पेसिफिक वक्त के अंदर किसी खास चीज का कोई खास पोर्शन जो आप भूलना शुरू कर देते हो, भूल जाते हो, उसको हम कहते हैं। ये दूसरी बारी याददाश्त के जीव चीज़ें भूलने वाला नहीं होता, ये एक थोड़ी वक्त के लिए होता है और इसमें ये हो सकता है। और उसके बाद सिलेक्टिव होता है, कोई सिलेक्टिव चीज़ों का, जैसे कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आप वो डेथ का कैसे हुई वो भूल गए, बाकी इर्द गिर्द का जितना भी वाकया है क्या क्या किया उसमें, तो वो सारी चीज़ें आपको याद होंगे, ठीक है। इसी तरह थर्ड में आ जाता है इसका जनरलाइज करना, कि आप हर चीज़ के बारे में भूलना, उससे मिलती जुलती जितनी भी चीज़ें आएंगी उसे भूलना शुरू कर दोगे। उसके अलावा आ जाता है कंटिन्यू, कि लगातार भूली जा रहे हैं, याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गया, आपको पता ही नहीं है कि आपने कल क्या किया है, क्या आपने कोई कल अगर कहीं गए हैं तो उससे रिलेटेड आपको मुकम्मल मालूमात भूल चुके हैं, आपको कुछ याद ही नहीं है। और उसके बाद एक आ जाता है सिमेट्री, इस तरह ये 5 टाइप्स होती हैं इसके अंदर अमनेजिया के अंदर। हमने आइडेंटिटी की भी बात कर ली, अमनेजिया की भी बात कर ली। डीपर्सनलाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर जो बंदा होता है ना, वो ये समझता है कि उसके जिस्म से रूह निकल के आलमे अरवाह में चली गई है या किसी और बंदे में चली गई है, किसी और बंदे की रूह उसके अंदर आ गई है, अब वो जो है ना वो हकीकत में ऐसा है ही नहीं है। वो यानी कि अपनी उसकी जो ज़ात होती है ना, वो ये समझता है कि वो किसी के कंट्रोल में चली गई है, उसे कि ये कोई बंदा उसको अपने मकसद से जो है कंट्रोल कर रहा है, कोई वादे उसे सुनाई दे रही है उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्स कर रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जी वो ज़िंदा नहीं है, वो तो कब से इस दुनिया से जा चुका है, अब सिर्फ जिस्म ही जिस्म है, उसके अंदर रूह नहीं है, वो कोई यानी कि आम सा बंदा नहीं है, इस तरह की कुछ बातचीत वो करना शुरू कर देता है। इसको हम डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं, कि यानी कि उसकी अपनी शख्सियत के बारे में वो बहुत दूर चला जाता है, वो दूर खड़ा होकर अपनी ज़ात को ऑब्जर्व करता है कि मेरी रूह किसी और बंदे के अंदर है और वो रूह मेरी है, वो ये काम कर रही है, मैं इस वक्त सिर्फ मेरा जिस्म ही है, कुछ नहीं मेरे अंदर, इस तरह के उसको ख्यालात वसवसे आना शुरू हो जाता है। सर मैं बात करूंगा इसकी कॉजेज की, तो क्या कॉजेज हो सकती हैं पॉसिबल के जो इंसान जो है इस तरह अचानक से करना शुरू कर देते हैं या इस बीमारी में शिकार हो जाते हैं, तो क्या रीजंस होती हैं इसके पीछे? अगर हम डिसोसिएटिव की बात करें तो इसके पीछे ट्रॉमा जो है एक की फैक्टर समझा जाता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का। अगर किसी बच्चे के साथ चाइल्डहुड में सेक्सुअल, फिजिकल या इमोशनल अब्यूज हुआ हो, यानी कि कोई उसके साथ ज़्यादती हुई हो जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे या जज्बाती तौर पे, तो उसकी वजह से डिसोसिएटिव होने के चांसेस जो हैं वो लेटर लाइफ में जाके बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो घरेलू हालात हैं उनमें हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता हो, घर की टेंशनों, परेशानियों, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से भी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर हो सकता है। सर एक मेजर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इसके पीछे जो रीज़न होती है एक्चुअल में वो फिजिकल होती है या साइकोलॉजिकल होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस देखेंगे वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ बाबो हजरात के पास जा रहे होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है कि ये साइकोलॉजिकली भी हो सकती है और फिजिकली भी हो सकती है, क्योंकि अगर फिजिकली भी होती है तो बंदा उस इंसिडेंट को जब बार बार याद करता है स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो स्ट्रेस का यानी कि जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो जब हमसे हैंडल नहीं होता, दिमाग से हैंडल नहीं होता, तो उसकी जो अलामतें हैं ना वो जिस्मानी सूरत हाल में निकलना शुरू हो जाती है। बंदा जो है गिरना शुरू हो जाता है, बंदा जो है उसकी नींद कम होना शुरू हो जाती है, बंदा चीखें मारना शुरू हो जाता है, बंदा ये कहता है कि मेरे अंदर कोई जिन या कोई बदरू आ चुकी है। ये जब ज़हनी तौर पर स्ट्रेस हैंडल ना हो तो उसकी अलामतें जो हैं वो फिज़िकली सूरत हाल में निकलना शुरू हो जाती हैं। सही, तो सर अभी इसका इलाज कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? इलाज के लिए सबसे पहली जो मैं हमेशा कहता हूँ कि फैमिली जो है वो अहम रोल उसका कंसीडर किया जाता है। फैमिली जो है उस वक्त उस बंदे या उस बंदी को, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये ज़्यादा फीमेल्स में पाया जाता है, और अगर तो लड़का है या लड़की है, फैमिली को चाहिए कि उसको अटेंशन ना दे, उस जगह को छोड़ दे, थोड़ी देर के लिए उस रूम से बाहर चले जाए। जितना आप ज़्यादा उसके पास आएंगे, उससे पूछेंगे, उतने ही ज़्यादा इसका जो ड्यूरेशन होगा वो फिट्स, जो उसको एक दौरा वगैरह पड़ता है वो बढ़ता जाएगा।
तो उसका जो यानी कि आपने कई लोगों को देखा है कि वो हाथ पांव बिल्कुल ही यानी कि मूव करना छोड़ देते हैं, आंखें उल्ट हो जाती हैं, मुंह नहीं खुलता, बोलते नहीं, एक वर्ड भी नहीं बोलने के काबिल होते। तो ये सारे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होते हैं। इसका ड्यूरेशन सिर्फ एक ही वजह से कम हो सकता है कि आप उसको उस जगह पे छोड़ के थोड़ी देर के लिए साइड पर हो जाए, कोई भी बंदा उसके पास ना, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। दूसरी बात ये कि मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करेगी। साइकोथेरेपी जो है, क्योंकि ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसकी कॉजेज़ जो हैं वो अगर किसी बच्चे के साथ ज़्यादती हुई हो जिस्मानी, जहनी या जज्बाती तौर पे, या किसी कोई भी ट्रोमा हुआ हो, कोई इंसिडेंट, कोई भी वाकया उसके साथ पेश आया हो, या घर में के हालात अच्छे नहीं हैं, या वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, तो इन सारी चीज़ों को हम साइकोथेरेपी के ज़रिए हैंडल कर सकते हैं। साइकोथेरेपी के ज़रिए इसका इलाज मुमकिन है। हमें चाहिए कि जी हम अपने कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें और इसके इलाज में हम देर ना बरतें। और अगर आप लोगों को या आपके प्यारों को या आपके घर में से किसी बंदे को डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है तो आप लोग हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। हफीज़ या मैं, हमारे नंबर इधर दिए गए हैं। अगर किसी किस्म की भी आपको मालूमात दरकार है या आप ऑनलाइन साइकोथेरेपी करवाना चाहते हैं, सेशंस करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कायम कर सकते हैं। आपको हर तरह से प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी और आपकी जो कॉजेज हैं, जो फैक्टर्स हैं आपके डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के पीछे, उनको रिजोल्व करना भी सिखाया जाएगा। कोपिंग स्किल्स सिखाई जाएगी कि आपने इस बीमारी के साथ कैसे निमटना है। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह। थैंक यू सर खुर्रम। आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये समझ आ गई होगी कि जिन बच्चों के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं या फीमेल्स के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आती है, अचानक उनकी पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, या वो जो है बेहोश होना शुरू हो जाते हैं, दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, या जिन लोगों के ये कॉन्सेप्ट होते हैं कि इनके अंदर जो है जिन भूत वगैरह या भूत प्रेत की कोई ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो इनको कंट्रोल कर रही हैं, तो इनके इलाज के लिए जो है आप किसी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्री से कॉन्टेक्ट करें ताकि वो जो है उसमें मज़ीद बेहतरी आ सके। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।